महाराष्ट्र चुनाव के अंतिम दौर पर जब वोट डाले जा रहे थे तो खबर आई मुंबई से सटे ठाणे जिले से, जहां मतदान केंद्र में पहुंचा एक मतदाता इस कदर बिफर पड़ा कि उसने ईवीएम मशीन पर ही स्याही फेंकनी शुरू कर दी और साथ ही साथ ईवीएम मुर्दाबाद के उसने नारे लगाए। कथित व्यक्ति का नाम सुनील खांबे बताया जाता है, जो कि एक राजनीतिक नेता कहा जा रहा है। स्याही फेंक आंदोलन की प्रक्रिया को इसने अंजाम दिया। करीब 20 मिनट तक मतदान की प्रक्रिया इसी के चलते बाधित हुई। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, दाढ़ी रखा यह शख्स पहले मतदान केंद्र पहुंचता है, ईवीएम मशीन के करीब जाता है। इससे पहले कि ईवीएम की मशीन को बटाने की दबाने की पारी आती कि इससे वो बिफर पड़ता है और ईवीएम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपने पास रखी स्याही को ईवीएम मशीन पर फेंक देता है। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस ने सुनील खांबे नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल वही कि ईवीएम का विरोध जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में देखने को मिला, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईवीएम मशीन नहीं चलेगा।